शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में। बात है कि आजकल सलमान खान और शाहरुख खान को देख के लोग वीर बनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनपद गाजीपुर में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के जन्मस्थली धामोपुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद के मूर्ति पर माल्यार्पण किया, साथ ही दो पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने पापा मेरे शहीद और भारत का मुसलमान पुस्तकों का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसान दूसरे के लिए जीता है और जानवर जो होता है स्वयं अपने लिए जीता है। वहीं वीर अब्दुल हमीद थे। अब्दुल हमीद देश के लिए जिए, कच्छ के रण में शहीद हो गए। मनुष्य में बलिदान की भावना ही उसे अमर शहीद बनाती है। हाथी अगर साइकिल चलाए तो ये उसका विकास नहीं। हाथी सूंड से उठाकर अपने बच्चे की रक्षा करे, ये विकास है। गाजीपुर से बाकी रिपोर्ट हमारे सहयोगी शुभम तिवारी के साथ। अपने इस पवित्र मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद के स्मृति के लिए यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसके अध्यक्ष कैप्टन मकसूद गाजीपुरी जी, उनके सुपुत्र जैनुल जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आते आते प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक पंक्ति लिखी है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान होगा। वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं, कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में बहुत महान कृति है। अपने यहां पर अपने देश में परंपरा से इसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहां ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनो। ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है परिव्राट योग युक्तश्च, दूसरा है रणे चा विमुखे हता। एक वो होता है कि जो योगी बनकर और सतत सक्रिय रहता है आत्म साधना में और लोक सेवा में, और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर अपनी आत्माहुति देने वाला। तो अपने मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना, ये जितने दिन हम शुरू रखते हैं, जितने साल शुरू रखते हैं, जितने युगों तक चलाते हैं, उतने युगों तक शहीद अमर हो।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल हामिद जो हैं वो इस देश के सुपुत्र हैं। उन्होंने जो चीज़ किया है इस देश के लिए 1965 में और उससे पहले भी वो अस्मरणीय है। मतलब आप उनको उनके उन्होंने जो भी काम किया है उसको आप बिल्कुल भुला नहीं सकते हो, और ये एक मुख्य कारण रहा कि ये किताब की नींव वहीं से रखी गई। सबसे पहली बात जो है कि अगर आप अब्दुल हामिद की जो कहानी सुनोगे 1965 में, जिस तरह से उन्होंने पैटंग टैंक्स का संहार किया, जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी जो थी, उन्होंने इतने बड़े राक्षस का संहार किया, और वो जो कहानी है वो बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान, उस वजह से पाकिस्तान का शिकस्त हुआ। और ये जो कहानी है ये उस कहानी के पीछे की कहानी है कि किस तरह से अब्दुल हामिद अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया, उनकी जो बचपन की कहानियां हैं, उनकी जो आर्मी में जाने की इच्छा है, जिस तरह से उनके आर्मी की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद किस तरह से उन्होंने आर्मी में जाने के बाद भी गांव के बच्चों को ट्रेन किया, गांव के बच्चों में स्पोर्ट्स की और डिसिप्लिन की उन्होंने नींव रखी, ये सारी चीज़ें हैं जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, इतना उनको मजबूत और दृढ़ बनाती है कि जब दुश्मन का गोली या दुश्मन का टैंक आए उन्हें बिल्कुल भय नहीं है, और उनका सामना करके उन्होंने वीरगति प्राप्त की और परमवीर चक्र हासिल की। इतना यही है कि सर हम लोग बचपन में उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो वीर हैं, हम सब वीर बनना चाहते हैं। ये अलग बात का बात है कि आजकल सलमान खान और शाहरुख खान को देख के लोग वीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हम देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनको देख कर हम वीर बनना चाहते हैं, और यही प्रेरणा रही है कि वीरता वीरता ही प्रेरणा रही है। विभाग से। हेलो।